हमें बेसिकली उसका मीन स्क्वायर एरर भी निकालना पड़ता है, रूट मीन स्क्वायर एरर। इसकी वजह ये, रूट मीन स्क्वायर एरर बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ों पे हेल्प करता है। तो आप कहते हैं हाँ, ये बेसिकली जो हेल्प हमें मिल रही है वो फ्रूटफुल है। तो यकीनन जब हम उन चीज़ों की तरफ जाते हैं, जब एक तो होता है कि हम मॉडल लगा लें, फिर एक ये होता है कि मॉडल के अंदर जो एरर के प्रोसीजर हैं उसको भी हम बेसिकली कैटर करें। डेफिनेटली वो भी हमारा टास्क है, और हमने इसीलिए आपको रूट मीन स्क्वायर एरर और रूट एब्सोल्यूट एरर ये सारे के सारे जो हैं लास्ट क्लास में काफ़ी देर तक डिबेट की थी, और उसको मैंने रिग्रेशन बेस्ड मॉडल के अंदर बताया। इसी तरह क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल, अच्छा अब जिन लोगों को शायद ये भी ना मालूम हो अभी तक कि रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में फ़र्क क्या है, तो हो सकता है मैं प्रेजम्पशन पे बात करूँ, क्योंकि हमारी इंट्रैक्शन क्लासरूम जैसी तो है नहीं, तो कोई सवाल जवाब ज़्यादा हो नहीं पाता है, तो स्टूडेंट के फेस एक्सप्रेशन भी नहीं देख पाता हूँ। इस वजह से प्रॉब्ली ये पॉसिबल है कि लोगों को भी, कुछ लोगों को ये भी ना पता हो कि रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में फ़र्क क्या है। तो आपको याद होगा ये बात हमने कही थी कि जो टारगेट क्लास होती है हमारे पास, यानी जो भी आपके पास डेटा सेट दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम रिग्रेशन बेस से सॉल्व होनी है या ये प्रॉब्लम जो है वो क्लासिफिकेशन से सॉल्व होनी है, नॉर्मली डिपेंड करता है आपके टारगेट क्लास के ऊपर। टारगेट क्या मतलब, जहाँ पे आपकी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट में जो टारगेट वैल्यू दी जाती है, ये अगर आपको बेसिकली कोई कंटिन्यूस वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है। अब सवाल ये आता है कि हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि कंटिन्यूस वैल्यू क्या होती है। तो कंटिन्यूस वैल्यू यानी कोई कैटेगरी वाइज डिसीजन ना लिया जाए बल्कि कोई वैल्यू निकाली जाए। कैटेगरी वाइज का मतलब होता है कि जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये वाला फ्रूट है और फ्रूट की ये प्रॉपर्टी है तो उसका कलर येलो होगा, या फ्रूट की ये प्रॉपर्टी है तो उसका कलर रेड होगा, फ्रूट की ये प्रॉपर्टी है तो उसका कलर जो है वो ग्रीन होगा। तो ये जो कलर की वाली बात है, ये बेसिकली कैटेगरी है कि वो किस कलर कैटेगरी में बिलोंग करेगा। हम किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे, लेकिन अगर इसी के बरक्स आप कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो कि बताओ ये सारे ऑप्शन हैं इसकी उम्र कितनी होगी, ये सारे ऑप्शन हैं इसकी उम्र कितनी होगी, तो उम्र यानी एज, एज का निकालना बेसिकली एक एक जो है रिग्रेशन वैल्यू निकालना है रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम में। क्या आप कहते हैं कि हाँ यहाँ पे इसकी उम्र कितनी है, तो ये एक रिग्रेशन टाइप इशू जो है वो कहलाता है। रिग्रेशन एक मॉडल भी है, रिग्रेशन एक बेसिकली आपके पास प्रॉब्लम भी है। यानी अगर आप ये कहें
कि आप रिग्रेशन बेस्ड मॉडल को सॉल्व करना चाहते हैं, रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लीनियर रिग्रेशन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मेथड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लीनियर रिग्रेशन का मॉडल आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिग्रेशन बेस्ड, यानी रिग्रेशन बेस्ड में एट्रीब्यूट की अगेंस्ट में जो चीज़ हासिल होती है वो कैटेगरी नहीं होती बल्कि वो एक वैल्यू होती है। इसी तरह से क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में जो वैल्यू आप हासिल करते हैं वो कोई कैटेगरी होता है, ये जिंदा बच जाएगा या नहीं बचेगा, इसको बीमारी है या नहीं है, ये कलर पीला है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो कैटेगरी बेस्ड होती हैं इसको बेसिकली हम कहते हैं ये क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। यकीनन जब हम अपने डेटा सेट को देखेंगे और हमारी उससे फेमिलियरिटी हो जाएगी, उसमें एक कॉलम ऐसा होगा, अगर तो वो एक्सपोलरिटी डेटा खाली नहीं है बल्कि प्रिडिक्शन भी करनी है, तो उसके अंदर एक कॉलम ऐसा होगा जो बेसिकली प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। आपने देखा होगा कि जो मैंने कुछ डेटा सेट जो अपलोड किए हैं उसमें किसी कुछ कुछ तीन फाइलें हैं, एक में ट्रेनिंग है, एक में टेस्टिंग और एक में फाइनल आंसर है। तो वो फाइनल आंसर वाला रिजल्ट जो है वो आप बेसिकली टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन भी एग्जिस्ट करती है और रिग्रेशन भी। हॉस प्राइस का बहुत मशहूर हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम है वो रिग्रेशन बेस है। अब रिग्रेशन को सॉल्व करने के लिए खाली लीनियर रिग्रेशन ही नहीं है बल्कि हम डिसीजन ट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, SVM से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्सट्रीम बूस्टिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे एल्गोरिथम जो है वो रिग्रेशन को भी सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लॉजिक जो लीनियर रिग्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज किया और उसका नाम था आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया, यानी आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन से किसी और किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते सवाए क्लासिफिकेशन बेस्ड। ये दोनों तो जो बेसिक हैं इन दोनों को तो स्टार्ट पे पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद जब आगे जाते हैं तो और बहुत सारे एल्गोरिथम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यकीनन हमारे जो बेसिक दो एल्गोरिथम ये भी बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन यकीनन इससे ज्यादा पावरफुल एल्गोरिथम जो है वो आगे आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें से जो पहला एल्गोरिथम है वो है डिसीशन ट्री। डिसीशन ट्री बेसिकली आप अपने मॉडल को चाहे वो रिग्रेशन बेस हो चाहे वो क्लासिफिकेशन बेस हो उसको सॉल्व करने के लिए डिसीशन ट्री जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि डिसीशन ट्री को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। एक तो यह कि मैं जाऊँ और कोड पे लिख दूँ, ऐसे करना चाहिए, अभी तो हमारा इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन मैं एक थ्रो कर देता हूँ आपको कि डिसीशन ट्री काम कैसे करती है। बिल्कुल एक एक बात एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं करने जा रहा, लेकिन इसके सवाल भी इसी हिसाब से आएंगे, लेकिन क्योंकि मशीन लर्निंग भी नहीं पढ़ रहे आप, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि डिसीशन ट्री अगर काम कर रही है तो इसकी वर्किंग का जो मैकेनिज्म बिहाइंड है वो कैसा है। तो इस बेसिस पे वी विल स्टडी द डिसीशन ट्री, यानी डिसीशन ट्री किसी बेसिस पे ट्री बनाएगी तो वो ट्री बनाने में कौन से पार्ट्स शामिल होंगे, तो उनके नाम एटलीस्ट वर्किंग समझ आए ना, नाम एटलीस्ट हमें पता हो, हम थोड़ा बहुत उसकी वर्किंग भी पढ़ लेंगे और ये सब पढ़ने के बाद फिर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, डिसीशन ट्री दोनों के लिए वर्क करती है, रिग्रेशन के लिए भी और क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है डिसीशन ट्री। यानी आप कहें कि मैं कहीं भी कोई पढ़ाएगा या कोई पढ़ा रहा होता है तो वो नॉर्मली इसको क्लासिफिकेशन के लिए जो है वो स्टडी करते हैं, जिस तरह क्लासिफिकेशन के लिए वर्क करेगा वैसे ही ये रिग्रेशन के लिए भी काम करेगा। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे अगला ये रेज होता है जो हमको भी मैं खुद ही रेज कर लेता हूँ कि जब आप क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं तो इसकी जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो निकालने के तीन चार डिफरेंट मेथड्स हैं। यानी मिसाल के तौर पे तीन चार मेथड्स कौन से हैं, तो आप कहते हैं देखो इसमें हम एक्यूरेसी तो निकालते हैं कि आपने टेस्ट में कितने डेटा दिया था और उसकी कितनी परसेंट एक्यूरेसी आई। यानी आपने कहा कि मैंने 100 डेटा टेस्ट के लिए दिया, तो ये 100 डेटा में से पहला डेटा मैंने अपने मॉडल को पास किया तो इस मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया, वो प्रिडिक्ट करेगा यस या नो मिसाल के तौर पे,
मिसाल के तौर पर आपके मॉडल ने यस प्रिडिक्ट कर दिया, तो क्या एक्चुअल में भी इस वाले का रिजल्ट यस था? तो अगर इस वाले का रिजल्ट यस है तो काउंट हो जाएगा यस में एक, और अगर नो हो गया तो गलत काउंट में एक काउंट हो जाएगा। यानी एक्चुअल रिजल्ट यस था लेकिन प्रिडिक्ट नो हो गया, तो इसका मतलब है हमने एक मिस कर दी क्लासिफिकेशन, तो वो काउंट हो जाता है। अगर आपने 100 भेजे हैं तो देखा जाता है कि कितने आपने सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं, तो फिर उसके बाद आप परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट रिजल्ट आपके एल्गोरिथम ने जो है सही बताया। ये तो कहलाती है एक्यूरेसी। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि सिर्फ एक्यूरेसी हमारे मसले को हल नहीं कर पाती, सिर्फ एक्यूरेसी हमारे मसले को हल नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा डेटा बायस भी हो सकता है। बायस इस सेंस में होता है, ये जब हम, मैं तो ये जनरल बात कर रहा हूँ, अभी हम इसको पढ़ेंगे भी, जब हम बायस इस सेंस में कहते हैं कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि ट्रेनिंग करते वक्त क्लासिफिकेशन में यस वाला डेटा ज्यादा हो और नो वाला डेटा कम हो सकता है ना, या बहुत ज्यादा तादाद में, यानी ये ट्रेनिंग डेटा आपके पास आ गया, इस ट्रेनिंग में अक्सर रिजल्ट जो है वो यस वाले हैं, अक्सर जो है वो वैल्यूज है, और जो नो वाले रिजल्ट है वो बहुत थोड़े से हैं। तो जब आप इसकी ट्रेनिंग करेंगे तो एक बायसनेस क्रिएट हो जाएगी जो यस वाले की तरफ झुक जाएगी। तो आप जब कोई टेस्ट डेटा इसके पास लेके आएंगे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये बेसिकली यस ही करते हैं उसको भी, रेदर देन के नो करें। तो इस बायसनेस को खत्म करने के लिए अलग एक्यूरेसी 100% आ जाएगी, लेकिन जब नो वाले के लिए टेस्ट करेंगे तो एक्यूरेसी गिर के जो है 50% या 40% पे चली जाएगी। समझ आ रही है? तो अब ये जो वेरिएशन है इसको कंट्रोल करना है हमें, कि ये बेसिकली दोनों के लिए इक्वलेंट रिजल्ट देना। अब इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास टेक्निक्स होती है, क्योंकि डेटा तो आप देख नहीं सकते ना कि डेटा की एक्चुअल हालत क्या है। तो आप कहते हैं डेटा कैसा भी हो, बायस हो या ना हो, आपने उस टेक्निक के ऊपर अमल कर देना है। उसमें से पहली टेक्निक ये है कि आप अपने रिजल्ट को क्रॉस वैलिडेशन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है वो हम मेजरिंग मैट्रिक्स अभी पढ़ेंगे, तो मेजरिंग मैट्रिक्स के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन के अंदर बेसिकली कौन कौन से पार्ट आते हैं तो वो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो मैंने ये ओवरऑल आपको एक पिक्चर दे दी है कि आज हमारा टारगेट जो है वो डिसीशन ट्री की इम्प्लीमेंटेशन और फिर मेजरिंग मैट्रिक्स और मेजरिंग मैट्रिक्स की इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर ये हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसमें भी हम टू क्लास प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। मल्टी क्लास में अभी हम हिट नहीं कर रहे। मल्टी क्लास का मतलब ये है कि जो यहाँ पर टारगेट क्लास दी हुई है ये यस और नो है, यानी वो जिंदा बचेगा या नहीं, यानी सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन भी हो सकती है जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से जो टारगेट क्लास होती है ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त बाइनरी हो, ये बेसिकली मल्टी क्लास प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसका कलर रेड होगा, येलो होगा या ग्रीन होगा। अब ये बेसिकली रेड होगा, येलो होगा या ग्रीन होगा, ये बेसिकली मल्टी क्लास प्रॉब्लम की कैटेगरी कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मल्टी क्लास भी हो सकते हैं और बाइनरी क्लास भी हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे मल्टी क्लास में थोड़ा सा हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, रिजल्ट निकालने के लिए एहतियात ज्यादा करनी पड़ती है। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट लेते हैं, और वो है बेसिकली डिसीशन ट्री। डिसीशन ट्री पढ़ने के बाद हम इसी के बेसिस पे रैंडम फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे। यानी डिसीशन ट्री अगर हमें समझ आ जाता है, वो कि मैं बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन अगर समझ आ जाए, क्योंकि अगर ये मशीन लर्निंग में पढ़ते तो कम से कम 2 वीक की क्लासेज मशीन इसके लिए चाहिए थे हमें, तकरीबन 2 वीक की क्लासेज। तो देखते हैं आज हम कितनी देर में खत्म कर सकते हैं इसको, और मैं इसके न्यूमेरिकल्स तो नहीं कराने जा रहा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो फिर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा हमारे पास। अच्छा, किसी को कोई बात पूछनी है आप पूछ सकते हैं ताकि मैं आगे बढ़ूं। इसी से रिलेटेड अभी कोई बात अगर आप पूछनी है तो आप टेक्स्ट में पूछ लें, माइक ओपन करना है तो माइक ओपन कर दूंगा। असल में अभी जो स्टार्ट होती है ना क्लास में 25 स्टूडेंट होते हैं, अभी जब एंड होगी ना 3 बजे तो ये 40 स्टूडेंट हो जाएंगे। ये बड़ा मसला है हमको। नो सर, थैंक यू। ये जो है ना चीजें अच्छी नहीं है, स्टूडेंट समझ नहीं रहे इस बात को, फिर जब रिजल्ट आता है तो कहते हैं सर हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम अब एक आदमी पढ़ ही नहीं रहा है तो उसका रिजल्ट की क्या तवक्को करेंगे, कल शकल ही हो रही होगी। अच्छा जी, कोर्स आउटलाइन में है, एग्जांपल्स हैं, आईडी3 हेरिस्टिक एल्गोरिथम है,
हियरिस्टिक एल्गोरिथम प्रिंसिपल जो है वो एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे आप जो है वो डिसीशन लेंगे और उसके बाद फिर उसकी एवेल्यूएशन है। तो ये बेसिकली हमारा आज का मोस्ट प्रॉब्लम टॉपिक है। वो कहता है कि हमारे पास डिसीशन ट्री जो है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है क्लासिफायर के लिए, जबकि उसको हम अभी हम क्लासिफायर के लिए पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसको हम बेसिकली कर सकते हैं रिग्रेशन मॉडल के लिए। है तो क्लासिफायर ही बेसिकली है, क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे रिग्रेशन हो चाहे क्लासिफिकेशन हो। इट हैज टू टाइप्स ऑफ नोड, डिसीशन नोड एंड लीफ नोड। इसके पास दो नोड होते हैं, यानी जब हम उसको डिजाइन करेंगे उसके दो नोड्स होते हैं। ये हम एक जानकारी कर रहे हैं, यानी एक नॉलेज गेन कर रहे हैं कि जब आप डिसीशन ट्री लगाएं तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज हमें उसकी हो कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो वो कहता ये है कि इसके काम करने का अंदाज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, और थोड़ा बहुत आइडिया हम ले लेंगे ताकि जब आप इम्प्लीमेंट करें तो इसके पैरामीटर्स समझने में थोड़ा सा आसानी हो। कहता है द डिसीशन ट्री इज नॉन लीनियर फंक्शन और मॉडल, एक नॉन लीनियर फंक्शन है, इसलिए कि ट्री जो है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर याद है तो आपको याद होगा कि हमने ये बात पढ़ी थी कि डेटा स्ट्रक्चर में एरे और दूसरी चीजें जो है वो बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ट्री और क्या कहते हैं उसको, ट्री और ठीक है, ट्री और ग्राफ जो है बेसिकली वो नॉन लीनियर होता है। तो हमने ये बात पढ़ चुके हैं, इसलिए द डिसीशन ट्री एक ट्री है, इसलिए नॉन लीनियर फंक्शन है ये। इन अ ट्री विच हैज नोड एंड एजेस एंड सम नोड्स आर लीव्स, ये तो बात हम पढ़ चुके हैं कि जब हम ट्री की बात करते हैं तो उसमें नोड और एजेस, और ट्री की डेफिनेशन ही होती है कलेक्शन ऑफ द नोड्स एंड एजेस आर कॉल्ड बेसिकली ट्री, और उसमें से कुछ इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं, कुछ लीफ नोड होते हैं, कुछ पेरेंट नोड्स होते हैं, रूट नोड होते हैं, पेरेंट भी नहीं रूट नोड होते हैं। तो वो तो एक जनरल ट्री की बात इसने की है। अ डिसीशन ट्री इज क्लासिफायर, क्लासिफायर जो होता है वो रिग्रेशन क्लासिफायर भी होता है और क्लासिफिकेशन क्लासिफायर भी होता है। क्लासिफायर का मतलब होता है क्लासिफाई करने वाला। इन द फॉर्म ऑफ ट्री विच हैज टू टाइप ऑफ द नोड, जो बेसिकली ये क्लासिफायर उसके दो नोड्स होते हैं, डिसीशन नोड और जहां से डिसीशन होना है, जहां प्रेडिक्शन होना है, लीफ नोड जो आपको अगले नोड की तरफ भेज देता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इट कैन बी यूज फॉर द बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, बस क्लासिफिकेशन इज मोर पॉपुलर। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन क्लासिफिकेशन में ये ज्यादा पॉपुलर है। ठीक हो गया, एक इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दी है एक ट्री बना के, और उसको इसने यहाँ पे इस तरह समझाने की कोशिश की है कि सवाल पहले मैं क्वेश्चन है मैं उसको ले लूँ फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। ग्राफ भी नॉन लीनियर होता है, बिल्कुल ठीक कहा था आपने। अच्छा जी, उसने कहा है इम्प्लाइड और नॉन इम्प्लाइड के बेसिस पे कुछ हम अप्रूव करना चाहते हैं। तो इसने कहा एक डेटा सेट आपके पास होगा और डेटा सेट में तीन कॉलम्स होंगे, इम्प्लाइड, क्रेडिट स्कोर और इनकम। ठीक है ना, तो वो बेसिकली तीन इसके आपके पास जो है वो ऑप्शंस। अब जरा समझने की कोशिश करना, ये जो नोड्स है ना यहाँ पे नीचे वाले के अलावा, ये जो नोड्स है ना, ये तीन नोड्स इसके तीन एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली। ये भी हम बनाएंगे तो हमें और समझ आएगा। यानी पहला नोड जो है वो इम्प्लाइड का है, दूसरा नोड जो है बेसिकली क्रेडिट स्कोर का है, और तीसरा क्रेडिट स्कोर का है, और तीसरा जो है वो इनकम का है। ठीक है, बात समझ आ रही। ये तीन नोड जो है इसके एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद जो इम्प्लाइड है ना, इसके बेसिकली दो वैल्यूज हैं, जो इसके अंदर ये वैल्यूज होती है उसको वैल्यूज कहते हैं। एक यस की वैल्यू है, एक नो की वैल्यू है। यानी जो पहला डेटा होगा हो सकता है उसमें यस हो, दूसरे डेटा में हो सकता है वो इम्प्लाइड नो हो, तीसरे डेटा में हो सकता है कि वो फिर यस आ जाए। तो इस तरह की बेसिकली सूरत हाल है इसके अंदर। ठीक, तो वो ये कहता है कि ये बेसिकली ये जो नो और यस आ रहा है ये इम्प्लाइड की वैल्यूज हैं, और ये बेसिकली आपके पास ये जो आपके पास आ रहा है ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्रेडिट स्कोर के दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक हाई है और एक लो है।
क्रेडिट एट्रीब्यूट की भी दो एट्रीब्यूट, एक हाई है और एक हो सकता है कि इसका लो हो, इसका हाई हो, कुछ भी हो सकता है क्रेडिट स्कोर। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्रेडिट स्कोर की बात हो रही है। और जो इनकम है वो भी हाई और लो है। अब ये डिफरेंट भी हो सकता था, लो है हो सकता है, इसका हाई हो सकता है, इसका लो हो सकता है, फिर हाई हो सकता है। इस तरह की वैल्यूज इसके अंदर एग्जिस्ट करती जो आप देखते रहे डेटा सेट के अंदर। अब तो काफी ग्रिप हो गई आपके डेटा सेट पे, आप काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये बेसिकली इनकी वैल्यूज है। ठीक है सर, लीव नोट एट्रीब्यूट्स नहीं होगा, लीव नोट्स बेसिकली एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये बेसिकली आपके टारगेट क्लास के, जो टारगेट क्लास के रिजल्ट्स है। ये टारगेट क्लास समझते हो मेरी बात, कि आप कहते हैं कि भाई फाइनली जो आपके पास टारगेट क्लास होगा उसमें रिजल्ट अप्रूव या नॉन अप्रूव हो रहा होगा। तो ये बेसिकली एट्रीब्यूट तो होगा, लेकिन ये वो वाला टारगेट क्लास होगा जो बेसिकली आप जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो उसको पता चलेगा कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है। समझ रहे हो ना बात। डिसीशन वैल्यू है ये, जी डिसीशन वैल्यू है टारगेट क्लास का, डिसीशन वैल्यू। ठीक है, ये बेसिकली डिसीशन नोट्स है। नोट तो सारे डिसीशन है, ये देखो ये भी डिसीशन ले रहा है कि आगे जाना कहाँ है, लेकिन इसको फाइनली डिसीशन ये ले रहा है, इसको लीव नोट कहते हैं। तो बेसिकली बार बार मुझे कंफ्यूजन होती है लीफ नोट अलग क्यों लिखा है उन्होंने, ये बात देखनी पड़ेगी। डिसीशन नोट, सॉरी मैं गलत करके, ये वाले नोट्स जो है ना, अब जबरदस्त सुनना गौर से, ये वाले नोट्स जो बीच में इंटरमीडिएट है ना, ये डिसीशन नोट है जो मैं अभी राइट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे डिसीशन नोट है। डिसीशन नोट कहते हैं कि आप इस पे खड़े हैं और आप डिसीशन लें कि लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। ये समझ आती है बात है? ये सारे के सारे डिसीशन, और ये जो नोट्स आखिर में है ये कोई डिसीशन नहीं ले रहे, ये लीफ नोट है। लीफ नोट का मतलब है कि आप फाइनल प्रिडिक्शन इससे कर रहे होंगे। ठीक हो गया? तो ये जो दो चीजें ऊपर लिखी हुई थी ना स्लाइड में, वो बेसिकली ये दो चीजें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आती है बात। अब एक आदमी है, उसके बारे में हमें डिसीशन लेना है कि इसको बेसिकली हम जो भी डिसीशन है कि इसका कर्जा अप्रूव करें नहीं करें, इसका एटीएम कार्ड अप्रूव ना करें नहीं करें, ये तो एक डिपेंड करता है, क्रेडिट कार्ड अप्रूव करें नहीं करें, ये तो अभी मैंने कोई सिचुएशन तो दी नहीं है। तो बेसिकली वो कहता है कि हमारे पास जो डेटा सेट होता है, इस डेटा सेट से जो मॉडलिंग होती है, समझने की बात क्या है वो समझना, इससे जो हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग जिसको हम मॉडल बनाना कहते हैं, ट्रेनिंग जो हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग पार्ट से रिजल्ट उठाता है ये, और उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग शुरू कर देता है। स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि जैसे इसने पहले एम्प्लॉयड उठाया और एम्प्लॉयड में दो वैल्यूज हैं, तो इस एम्प्लॉयड की दो ब्रांचेस बना देता। अगर इसकी तीन वैल्यूज होती एम्प्लॉयड की, तो इसकी तीन ब्रांचेस बना देता। अगर इसकी चार वैल्यूज होती, ये एम्प्लॉयड एक नोड है, इसकी जितनी वैल्यू होंगी उतनी ब्रांचेस बन जाएंगे इसकी। समझ में आती बात है? अब यहाँ पे एक सवाल है, जिन लोगों ने मशीन लर्निंग पढ़ी है उनको तो आइडिया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पे ये मैं फिर बताता हूँ कि एम्प्लॉयड आपने लिया और इसकी जितनी वैल्यू होंगी उतने ब्रांचेस बन जाएंगे। अब सवाल यहाँ पे ये रेज होता है जो आप रेज कर सकते हैं, इट इज बेसिकली द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई यू हैव टेकिंग और व्हाई वी हैव टेकिंग बेसिकली एम्प्लॉयड फर्स्ट। हमने किस बेसिस पे ये कहा कि एम्प्लॉयड लेना है? हमने पहला नोड क्रेडिट स्कोर को क्यों नहीं बनाया? हमने पहला नोड इनकम को क्यों नहीं बनाया? ये सवाल तो आप पूछ सकते हैं ना कि भाई हमारे पास पहला नोड ये क्यों आ रहा है और ये दोनों नीचे क्यों जा रहे हैं? तो आप कहेंगे भाई इसकी रीजंस ये हैं, इसके रीजंस ये हैं कि इसको पहला नोड बनाने के लिए टेस्टिंग सबकी की जाती है। ये भी पहला नोड हो सकता था, ये भी पहला नोड हो सकता था, और ये भी पहला नोड हो सकता था, लेकिन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मेन एम्प्लॉय ही है, नहीं इस बेसिस पे नहीं, अब सादिक पास इस बेसिस पे नहीं, ऑल डिपेंड नहीं, इस बेसिस पे नहीं इब्राहिम, बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन जो डिपेंड करता है इंट्रोपी पे, एच इंट्रोपी। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन का एक फॉर्मूला है जो डिपेंड करता है इंट्रोपी, यानी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिस एट्रीब्यूट के अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन गेन जिस एट्रीब्यूट में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो रूट नोड बनेगा। तो कौन रूट नोड बनेगा?
इसके लिए सबकी टेस्टिंग हुई होगी, इसकी भी टेस्टिंग, इसकी भी टेस्टिंग, इसकी भी टेस्टिंग, सबकी टेस्टिंग हुई होगी, लेकिन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसको मिला होगा ई में, तो इसलिए ई को हमने बना दिया क्या रूट नोड। उसके बाद यहाँ पर कौन सा नोड लगेगा, इसकी भी टेस्टिंग हुई होगी, उसकी टेस्टिंग के बाद, क्योंकि बाकी दो बच गए ना, तो बाकी जो दो बच गए हैं उसमें कैसे पता चलेगा क्रेडिट स्कोर लगाना है या इनकम लगाना है, यानी इसके नो के साथ कौन डिसाइड करेगा कि क्रेडिट स्कोर लगाना है, इसके यस के साथ कौन डिसाइड करेगा कि इनकम लगाना है। आप उल्टा कर देते हैं, नो के साथ इनकम और क्रेडिट, तो ये तो अपनी मर्जी से अगर लगाएंगे तो जो डिसीशन ट्री बन रही है वो तो गलत आंसर देना शुरू कर देगी, तो इसलिए इसके पीछे एक फॉर्मूला लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन गेन। एंट्रोपी जो है, जो कि एंट्रोपी पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला देखेंगे अभी हम। एंट्रोपी, ये वो एंट्रोपी जो हम फिजिक्स में पढ़ते रहे, यहाँ पे जो एंट्रोपी का मकसद है वो ये होता है कि जो डेटा इसके अंदर दिया गया है वो कितना बेसिकली यू कह लो कि यूनिफॉर्म नहीं है, कितना यूनिफॉर्म नहीं है, इसके अंदर कितनी वेरिएशन है, जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उतना इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा। देखो ना, सारा डेटा अगर एक ही जैसा है तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन तो बहुत थोड़ी रही ना, लेकिन जितना ये यूनिफॉर्म नहीं होगा उतना बेसिकली इंफॉर्मेशन गेन इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन की जाती है, यानी जब आप कहते हैं कि मैं मॉडल बनाने जा रहा हूं डिसीशन ट्री के बेसिस पे, तो जो मॉडल बनता है एक्चुअल में वो एब्स्ट्रैक्टली ये ट्री बनती है, और ये ट्री बनाने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट होती है, और कैलकुलेट होने के बाद ये ट्री डिसाइड होती है कि जैसे ही आपने कहा ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है, इससे आप ट्री बना दो, इससे आप ट्री बना दो, तो वो ट्री बनना शुरू होती है। ट्री बनने के लिए सबसे पहले पैरेंट नोड ढूंढा जाता है, यानी रूट नोड। रूट नोड के लिए इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट होता है सब सारे एट्रीब्यूट का, उन सारे एट्रीब्यूट में जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन रखेगा उसको हम बेसिकली ये बना देते हैं। ठीक है, मैं सवाल देख लेता हूँ। सर, जब दो कॉलम ऐसे हो जिनके पास से ज्यादा इंफॉर्मेशन आए, दोनों के पास बराबर इन्फो हो, तो फिर आपकी मर्जी होती है, आप किसी को भी चूज कर लें जी, कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन कम की नहीं जी। साथ इसके बेसिस पे ये होता है कि अगर आपके पास दो या तीन जगहों पे सेम इंफॉर्मेशन गेन आ रही है, तो फिर आप किसी को भी चूज कर लें पहले, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो रन टाइम पर डिसीजन होता है कि फिर आप किसको चूज करेंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़े। तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट होता है जब हम मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, तो ये फॉर्मुलेज भी पढ़ते हैं और उसके बाद उसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, एक या दो न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करते हैं कि भाई ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करो। एग्जाम में सवाल भी ऐसे ही आता है, लेकिन यहाँ पर तो जाहिर है हमारा टारगेट कुछ और, दो वीक भी देते हैं उसको पढ़ाने के लिए, फिर हम यहाँ तो देखो दो वीक तो नहीं ले सकेंगे। यहाँ तो बात समझ में आ गई ना तुम्हारे। तो अब हम यहाँ पर डिसीशन की बात अगर करें, तो ये डिसीशन नोड है और ये लीफ नोड है। क्लियर हो गई बात। अब एक डेटा जो यहाँ मैंने बनाया था, उसमें से सबसे पहले एम्प्लॉयड में से पहला डेटा उठाया और देखा कि उस एम्प्लॉयड में पहला इंस्टेंस का यस है या नो है, एम्प्लॉयड है या नहीं है। इसने कहा कि ये एम्प्लॉयड जो है वो है, तो अब आप इस तरफ जाने के बजाय इस तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे यस, उसके बाद देखा जाएगा कि अगर यस आ गया है तो क्रेडिट स्कोर हमारे काउंटिंग से निकल जाएगा, अब क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप देखेंगे कि इनकम कितनी है इसकी, तो आप कहेंगे कि इसकी इनकम जो है वो हाई है या लो है। अब आप कहेंगे इसकी इनकम लो है, यानी वो एम्प्लॉयड है लेकिन इनकम लो है, इनकम लो है। तो आप यहाँ पर डिसीशन, जब आप इस तरह से, ये ब्लैंक है इस वक्त, ये ब्लैंक है, आपने डिसीशन लेना है, तो कहेंगे इस, ये एम्प्लॉयड है, यस इस तरफ आ गए, इसके बाद इसकी इनकम लो है, तो आप ये लो नहीं लिखा हुआ, ये रिजेक्ट लिखा हुआ, मैं गलती से यहाँ पे ये रिजेक्ट लिखा हुआ, तो इसकी इनकम लो है। तो जो भी डिसीशन लेना है वो बेसिकली इस आदमी के लिए जो डिसीशन लिया जाएगा वो रिजेक्ट कर लिया जाएगा, कि अगर इसने लोन के लिए अप्लाई किया है, जिस चीज के लिए अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये बेसिकली नो है, ठीक है, ये बेसिकली नो है, लेकिन क्रेडिट स्कोर इसका हाई है, क्रेडिट स्कोर इसका क्या है, हाई, यानी
वो इम्प्लॉयड नहीं है लेकिन क्रेडिट स्कोर इसका है, ये कौन सा रास्ता अख्तियार हो रहा है, नो और हाई, तब कह देंगे कि इसकी अप्रूव हो जाएगा। तो ये तो मैंने अपनी मर्जी से बनाया ना, या तो कोई डेटा था नहीं ना, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया। तो बेसिकली ये मॉडल तैयार होके आप स्टोर कर लेते हैं, ये मॉडल जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा डिसीशन ट्री से डिसीशन आएगा, यानी ये जो प्रिडिक्शन वाला लीफ नोड है ये इतना अच्छा। अगर ये सही नहीं बना, इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट सही नहीं हुई और आपने किसी चीज को, जो कि होता है ऐसे, वरना हमेशा 100% रिजल्ट नहीं आ जाए इसका, इसका रिजल्ट 100% नहीं आता, इसके मतलब है मॉडलिंग अच्छी नहीं हुई। मॉडलिंग अच्छी ना होने के दो रीजन है, आपने फीचर इंजीनियरिंग अच्छी नहीं की, या फिर डेटा अच्छा नहीं था, या आपने जो है वो अच्छे तरीके से पैरामीटर यूज नहीं किए, तो उस बेसिस पे आपकी प्रिडिक्शन रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। तो ये बेसिकली ट्री के बेसिस पे इस तरह ट्री मॉडलिंग में, और यकीनन हम ट्री में पढ़ चुके हैं कि ट्री को जब हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो उसके दो मेथड है, सिक्वेंशियल एरे या फिर लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के बेसिस पे करें या सिर्फ। तो नॉर्मली ट्री जो है वो इन दो बेसिस पे, इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, हमें उन सबको ये पता हो। तो बेसिकली हम कहते हैं कि जब हम अपनी ट्री बनाते हैं तो इसका डेटा जब फाइनली ट्री बन जाता है तो सिक्वेंशियल एरे या फिर लिंक लिस्ट के अंदर हम इसको स्टोर कर देते हैं। वो डेटा जो ट्रैवर्स होके जहां जाके रुकेगा आप कह देंगे ये आंसर दे दो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे समझाया कि प्रीफर्ड द स्मॉल ट्री, लो डेप्थ, स्मॉल नंबर ऑफ डेप्थ, यानी आपकी जो डेप्थ हो वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना डिसीशन खराब होने के चांसेस है, लेकिन बहुत छोटी भी होगा तो आप कम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे गलत डिसीशन ले सकते हैं। तो एक मीडियम टाइप की डेप्थ जो है वो बनाने चाहिए, यानी जब आपके पास डेटा सेट होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसकी डेप्थ कितनी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जब उसकी डेप्थ देंगे तो ट्री उतनी ही डेप्थ की बनेगी, और ट्री को आप देख भी सकते हैं कि मेरी ट्री कैसे बनेगी। समझ आ रही है तक बात, ठीक है। अब इन्होंने एक और एग्जांपल यहाँ पे दे दी है, वो एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ अभी अभी जो एग्जांपल है विदाउट डेटा है, मैंने डेटा नहीं शो किया, थोड़ी देर में डेटा भी लेके आएंगे। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब आप डिसीजन ट्री का कोड लिखें तो आपको समझ आता हो कि उसके पीछे एक्चुअल में फेनोमेना जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है। यहाँ पे भी इसी तरह से है कि आपने कोई चीज लोन लेना है या क्या लेना है, तो अब आपके एज के ऊपर चला गया, कहता है एज, तो एज को आपने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक डिवाइड किया हुआ है कि अगर 30 से कम एज है उसकी, एक डिवाइड किया हुआ है 30 से 40 एज है उसकी, और एक डिवाइड किया हुआ है 40 से बड़ी एज है उसकी। यानी एज की जो वैल्यूज हैं वो तीन है, एज की जो वैल्यूज हैं वो तीन है, एक लेस देन 30 है, ठीक है, एक जो है वो 30 से 40 के दरमियान है, सॉरी 30 से 40 के दरमियान है, और एक एज जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन 40 है। ये तो समझ में आती बात है। तो अब आप सवाल करेंगे कि भाई अच्छा यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कितने हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स 1, 2 और 3, यहाँ पे भी तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एज, स्टूडेंट, क्रेडिट स्कोर। तो ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एज की तीन वैल्यूज हैं, इसी तरह से स्टूडेंट की दो वैल्यूज हैं, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब हमें नहीं पता कहाँ पे यस कहाँ पे, डेटा जो प्रोवाइड किया जाएगा। और क्रेडिट स्कोर की दो वैल्यूज हैं, एक है फेयर और एक है जो भी कह हाई, कह लो हाई लो ही ले लो, एक है हाई और एक लो। इस बेसिस पे बेसिकली आपने मॉडलिंग कर दी। तो आप यहाँ पे ये कहें, ये जब मॉडल कर रहे होते हैं तो इसका बेसिकली टारगेट क्लास मौजूद होता है। तो आप मॉडलिंग में आपने ट्री बना ली, ट्री बनाने के बाद देखते हैं कि इसका रिजल्ट बेसिकली लीफ नोड में क्या रिजल्ट दे रहा है। तो आप देखें यहाँ पे एज में तीन है, अगर कोई इस रास्ते से आ रहा है, एज अगर उसकी 30 से कम है तो वो स्टूडेंट को पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा उसका क्रेडिट स्कोर कैसा है, यानी अगर एज 30 से कम है तो वो पूछेगा ये स्टूडेंट है या नहीं है, ये नहीं पूछेगा कि उसका क्रेडिट स्कोर कितना है। अब स्टूडेंट है या नहीं है, अगर स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, अगर स्टूडेंट वो नहीं है तो रिजल्ट नो हो गया, और अगर वो स्टूडेंट है तो जो आउटपुट है वो यस हो गया। इसी तरह से अगर वो क्रेडिट राइट, अगर उसकी उम्र 30 से 40 के दरमियान है तो वो ऑलवेज यस हो गया, नो का ऑप्शन ही नहीं है।
लेकिन अगर 40 से बड़ी है तो फिर वो पूछेगा सर क्रेडिट स्कोर कैसा है। अगर क्रेडिट स्कोर इसका फेयर है तो बेसिकली वो आप यस कर देंगे, और हाई है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, नो कर देंगे। ये तो बेसिकली डिसीजन ट्री का एक मॉडल है जो आपने यहाँ पे डिजाइन किया है, और डेफिनेटली हमारे पास अभी एक ये एब्स्ट्रैक्ट है कि ये डिसीजन ट्री किस बिहाफ पे बनाई जा रही है। ये मैं जो समझा रहा हूँ अभी, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई देखो ये नोट्स हैं ये है, लेकिन एक्चुअल में ये डेटा होगा उससे ट्री कैसे बनेगी, कौन ये कहेगा कि ये एज पहले आएगा, उसके यहाँ पर स्टूडेंट आएगा और ये जो है क्रेडिट स्कोर आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। तो इसके डिसीजन लेने के लिए हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। दो मेथड यूज होते हैं बहुत कसरत से इसके अंदर, एक कहलाता है गिनी इंडेक्स और एक कहलाता है इंफॉर्मेशन गेन। गिनी इंडेक्स बहुत पॉपुलर है और इंफॉर्मेशन गेन थोड़ा उससे लेस पॉपुलर है। हम जब नॉर्मली डिसीशन ट्री पाइथन पे अप्लाई करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो गिनी इंडेक्स होता है। अगर आपने मेथडोलॉजी चेंज करनी है कि मैं गिनी इंडेक्स पे काम नहीं करना चाहता और मुझे इंफॉर्मेशन गेन पे काम करना चाहिए, तो फिर आप डिसीशन ट्री के पैरामीटर में बाय फोर्स इन्फॉर्म करते हैं कि मेथड इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन गेन, वरना अगर आप कुछ ना लिखें तो वो गिनी इंडेक्स पे काम कर रहा होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये दो मेथड यहाँ पे होते हैं। अब कैसे ये दोनों मेथड जो गिनी इंडेक्स या